हुई थी लास्ट क्लास, उन सबको आप अच्छे से जानते हैं। आप इतना भी जानते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दो तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप इस तरह का मोड लगा दो तो आप कहते थे कि ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये सब बातें हुई थी, काफी कुछ सीखा था आपने। आपने ये भी सीखा है कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई वेक्टर को ऐड, दो लॉ सीखा है आपने, एक सीखा है आपने ट्रायंगल लॉ, ओके कामरान। कुछ लोग हमसे छुट्टी मांग रहे हैं, मतलब क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, तो वेक्टर में आपने एक लॉ सीखा था जिसका नाम था पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। आखिर ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक वेक्टर इधर है P और एक वेक्टर इधर है Q, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एक तीसरा वेक्टर बनेगा, वो तीसरा वेक्टर किधर होगा। ये सीधा सा मतलब यही है कि एक बॉक्स ऐसा है और एक बॉक्स को आप इधर खींच रहे हैं, उसी बॉक्स को इधर भी खींच रहा है, तो बॉक्स दो साइड नहीं जाएगा, यानी दो फोर्स लग रहा है तो दोनों मिला के एक नेट फोर्स बनता है, बॉक्स उधर ही भागता है। घर में दो एक बॉक्स को खींच के दिखाइए, दो भाई आप लोग मिल गया, दो बहन या एक भाई एक बहन, हमेशा कुछ नहीं कह रहे हैं कि भाई दोनों भाई ही हो। खैर, तो बॉक्स कोई एक साइड जाता है, वो किस साइड जाएगा उसी का पता लगता है कौन से लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। इतना आप सीख चुके थे कि भाई इसका जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहलाता था कि हाँ भाई ये पैरेललोग्राम का शेप बन रहा है तो ये डायगोनल है। तो जितने लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे या जिनका पहला क्लास होगा उनको दिक्कत हो रहा होगा, जो वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे। तो वेक्टर में आप इतना समझे थे कि अगर एक पी है अगर क्यू है तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा कॉस थीटा। इतना तो पता है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो ये सारी बातें हम वीडियोज में ऑलरेडी आपके लिए डाल चुके हैं, जो भी नहीं किए होंगे प्लीज जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज तीन चार लोग नए जुड़े हैं, क्योंकि दो तीन लोग जो भी हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, आप आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं ये पूरी तरह से फ्रेश टॉपिक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं मतलब आप फिजिक्स की दुनिया में लगभग कमांड हासिल कर लिए, सोचिए तो इतना बड़ा टॉपिक हम इसको कह दे रहे हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन सही में बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा था फिर से सुन लीजिए। अब तक की पढ़ाई में तीन क्लास में आपने सीखा वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक आपने ये भी सीखा कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, आपने ट्रायंगल लॉ सीखा, आपने पैरेललोग्राम लॉ सीखा, इसके अलावा आपने उस पर न्यूमेरिकल सीखा, पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ सीखा, जो प्रूफ ट्रायंगल लॉ का भी सेम प्रूफ है। इसके अलावा आपने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए, ऑब्वियसली बात है 10-12 न्यूमेरिकल से कम नहीं हुआ है। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं निकलता, फिर भी हम लोग खोद खोद के बहुत न्यूमेरिकल निकाल लिए। उसके बाद आपने कुछ डेफिनेशंस देखा, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर आप देख चुके थे, इक्वल वेक्टर, और एक लास्ट था आपने सीखा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, वैसा वेक्टर जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हर तरह का वेक्टर होता है, उसी में एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। फिर से एक बात हम बोल दे तब आज की पढ़ाई शुरू करेंगे, ये सब अभी हम पीछे की बात बता रहे हैं, सब पीछे की बात, कुछ भी नया नहीं, इसलिए बोल दे रहे हैं कई लोग वीडियो देख के आए हुए तो उनको याद रहे कि हाँ ये सब हम सुने हैं, ठीक है। लैपटॉप में चार्ज नहीं था इसलिए हमको थोड़ा सा जाना पड़ा, ओके। अब सुनिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी कोई भी वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड ऐसा सिंपल है 1 हो गया तो इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। समाज में इसका एक विशेष स्थान है, समाज के बड़े लोग आते हैं, इनको लिखने का एक और खास तरीका है, आप इसके ऊपर कैप लगा दो, किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसा टोपी पहना दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक यूनिट वेक्टर है। समझ में आता है टोपी पहनाना, ये कैप कहलाता है। ये अधिकार सिर्फ उन्हीं खास लोगों को है जिनका वैल्यू 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर को डायरेक्ट आप ऐसे लिख के बताओ कि यूनिट वेक्टर है, या तो आप डायरेक्ट कैप लगाओगे तो यहाँ पे अपने आप पता चल जाता है कि अच्छा ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम तीन देखेंगे, एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप, तीन यूनिट वेक्टर एक अलग से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं।
जब किसी को एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन बताना हो तो वो आई कैप का यूज करता है, और किसी को जे डायरेक्शन बताना है तो वो वाई जे कैप का यूज करता है, जब वाई बताना और जेड डायरेक्शन बताना है तो के कैप। जैसे आपको कोई बोलेगा कि काम करो ओरिजिन पे खड़ा होके, कोऑर्डिनेट जानते हैं ना, तीन एक्सिस होता है एक्स वाई एंड जेड, आप जानते होंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड कुछ भी लिख दिया, तीन एक्सिस होता है। आपको बोलेगा कि एक्स में 2 मीटर जाओ और वाई में 3 मीटर जाओ, तो वो ऐसे लिखेगा 2i cap + 3j cap। इससे क्या समझेगा लोग कि आई का वैल्यू तो 1 है, इसीलिए 2 का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा लिखने से ये फायदा हो गया कि वो समझ गया आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा आई मतलब एक्स एक्सिस, प्लस आई पॉजिटिव एक्स को बताता है, माइनस आई नेगेटिव एक्स को बताता है, ठीक है। प्लस जे पॉजिटिव आई को बताता है, माइनस जे नेगेटिव आई को बताता है, तो आई जे और के होता है जेड एक्सिस। तो चलिए आज की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, टॉपिक का नाम लिखिएगा। अब आज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं इतना कुछ बताने के बाद, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, बड़ा मस्त टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, शायद हम सिखा पाए, भाई आप सीख गए तो मेरा काम खत्म है। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कभी भी कोई डाउट हो आप हाथ रेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप जो नंबर पे आप जुड़े हुए हैं ना व्हाट्सएप पे मेरे से, वही नंबर पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है समझिए, रिजोल्व का मतलब होता है तोड़ देना। रिजोल्व का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। किसको तोड़ना है भाई, वेक्टर को। कैसे तोड़ना है वो समझाते हैं। मान लीजिए आप एक बॉक्स रखे हैं अपने घर पे, ठीक है, और बॉक्स को मिलके घर के आपके 5 सदस्य खींच रहे हैं, ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कितने सदस्य फोर्स लगा रहे हैं, 5। मान लीजिए कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, और कोई इधर खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, ठीक है, 5 लोग खींच रहे हैं। और अब बॉक्स ऐसे चलने लगा, कुछ ऐसे जाने लगा बॉक्स, हो सकता है सब मिला के, अब बॉक्स भारी है, बॉक्स टूटेगा नहीं, 5 साइड मिला के जिधर बॉक्स को ओवरऑल समझ में आया कि हाँ इधर हमको नेट फोर्स बच रहा है, टग ऑफ वार जैसा रस्सी खींचा खींची करते तो कोई एक साइड रस्सी जाता है, यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन में है तो बॉक्स किसी एक ही साइड जाएगा, ठीक है ना। ये सीधी सी बात है, अगर आप बाइक पे एक झंडा लगाए हुए हैं, हवा भी चल रहा है, बाइक भी चल रहा है, तो झंडा किसी एक साइड लहराता है, ऐसा नहीं कि वो हवा के साइड लहराएगा, उसको समझ में आया कि जिधर का फोर्स ज्यादा है उधर ही लहराएंगे, वही सारी बातें होती है यहाँ पे। तो इतने इतने लोग फोर्स लगा रहे हैं तो नेट ये ऐसे जा रहा है। अगर मान लो किसी तरीके से ये सब आदमी जो फोर्स लगा रहा है इसको गायब कर दिया जाए, मतलब लगा रहा है लेकिन किसी को दिखे नहीं, आपको दिखे नहीं, तो आपको सिर्फ ये बॉक्स इधर जाते हुए दिखेगा, दिखे ना, 5 भूत मिल के खींच रहा है, भूत चुड़ैल जो भी आप समझो, ये खींच रहा है मल्टीपल डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन सब के अलावा आपको ये कोई नहीं दिख रहा, तो बॉक्स आपको ऐसे जाते हुए दिख रहा है, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, सबके द्वारा लगाया गया नेट फोर्स। अगर हम आपसे पूछे कि ये असल रिजल्टेंट फोर्स कितने वेक्टर से मिलके बना या कितने फोर्स से मिलके बना, तो आप बोलिएगा कि ये फोर्स असल में 1, 2, 3, 4, 5 से, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे नेट दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जिससे मिलके बना है उन सब वेक्टर को दिखाओ तुम। तो उन सब वेक्टर को जब तुम रिप्रेजेंट करोगे, यानी इस वेक्टर को उन सारे हिस्सों में तोड़ दोगे जिनसे मिलके ये वेक्टर बना है, तो हम कहेंगे कि हमने इस वेक्टर का रिजोल्यूशन किया है। यानी किसी वेक्टर को उन सब हिस्सों में तोड़ देना जिन हिस्सों से वो मिलकर बना है, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। ये बात समझ में आई, जैसे ये 5 लोग मिले खींचे तो बॉक्स एक साइड गया, वो एक साइड कैसे जा पा रहा था, ये 5 लोग मिले काम कर रहे हैं, तो ये कहलाता है क्या, रिजोल्यूशन। स्प्लिटिंग मतलब, स्प्लिट मतलब तोड़ देना, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जैसे ये जो है ना, ये सब कहलाते हैं रिजोल्विंग कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। इस वेक्टर की ये कंपोनेंट्स है, हिस्सेदारी करते हैं, ये सब इनके हिस्से में आते हैं, ठीक है। तो हर वेक्टर का कंपोनेंट्स होता है, किसी का 2 कंपोनेंट, किसी का 4 कंपोनेंट। जैसे हम, अगर आप मेरा गर्दन अलग कर दे, हाथ अलग कर दे, सब अलग कर दे, बॉडी के सब पार्ट्स को अलग अलग कर दे, तो आप कहेंगे कि आपने शशि भैया को या हमको आपने रिजोल्व कर दिया। रिजोल्व कर दिया मतलब मेरे हर पार्ट को आपने अलग अलग तोड़कर रख दिया, यही कहलाता है रिजोल्यूशन। किसी भी हिस्से को, किसी भी वेक्टर को उन हिस्सों में तोड़ देना जिससे मिलकर वो बना है, किसी भी बॉडी को उन हिस्सों में तोड़ देना जिससे मिलकर वो बना है, वो कहलाता है रिजोल्यूशन। समझिएगा, ये पूरी तरह समझने का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी बहुत सारा बताएंगे, लेकिन इससे सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट आता है, और हर चैप्टर में इसका यूज है। फिर भी पता है 12th के बच्चे अभी आ गए कहीं मेरे पास, उनको अभी तक रिजोल्यूशन करने, रिजोल्व करने नहीं आता, वेक्टर को तोड़ने नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान से सीखिएगा, अदरवाइज फिजिक्स का पी भी नहीं सीख पाएंगे। तो जो सीखना है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि रिजोल्यूशन आपको पहले दिन ही समझ में आ जाएगा, आज ही समझ में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगता है, आप जितना समझ रहे हैं कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए आप रेजोल्यूशन का मतलब समझ गए, हम सब लिखवाएंगे, आपको कुछ भी नहीं छापना है, जैसे से बताएंगे वैसे से जाना है, पहला मीटिंग तो समझाने में ही निकलेगा। मान लीजिए ये एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 5, दिख रहा है इस वेक्टर का वैल्यू कितना है 5, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं, ये वेक्टर का नाम है, या मान इस पॉइंट का नाम ओ, इस पॉइंट का नाम ओ, ये वेक्टर है, और ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, दिख रहा है, और इस वेक्टर का वैल्यू 5 क्या है, 10 लिख दे, 10 देखो 10, और ये एंगल कितना है 30। हम चाहते हैं इस वेक्टर को तोड़ देना इसके कंपोनेंट्स में, इनके हिस्सों में जिससे मिलकर बना है, या हम चाहते हैं इस वेक्टर को ऐसा तोड़े कि इसके कोई 2 हिस्से बन जाए या 3 हिस्से बन जाए, हम तोड़ना चाहते हैं, इस तरह से तोड़ना है कि उन सब हिस्सों को जोड़े तो वापस 10 ही मिले, उन सब हिस्सों को तोड़े तो वापस 10 ही मिले, ध्यान रखिएगा। तो रिजोल्यूशन का कोई डेफिनेशन पूछेगा क्या, बोलिएगा कि किसी वेक्टर को उन हिस्सों में तोड़ देना ताकि वो उन्हीं हिस्सों से बना हो ऐसा पता चल सके, तो वो जो हिस्से वो कहलाते हैं उसके कंपोनेंट, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, मान लीजिए हमने एक वेक्टर को इस तरह से तोड़ा कि उसके 2 या 3 हिस्से बन गए, 2 या कितने हिस्से बन गए 3 या 4 या 5, आपको पता है एक वेक्टर के कितने हिस्से बन सकते हैं, मेरे बॉडी के आप कितने पार्ट्स कर सकते हो, आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक। उसी तरह से रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक वेक्टर को तोड़ना, अभी हम सब सिखाएंगे, तो एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीकों से तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ना हम सिखाएंगे। लेकिन अगर किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़ा जाए, अगर किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़ा जाए कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स समझ में आता है ना, जो कि हिस्सों में टूटे हैं वो कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री पे हो जाए, कोई वेक्टर है ये देखो, ये बीच वाला वेक्टर था, इसको ऐसा तोड़े कि इसके जो दो टूटे हुए हिस्से वो आपस में कितने एंगल पे हो जाए, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाए, तो तब हम इन कंपोनेंट को कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना क्या होता है, किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़ना है कि उसके जो हिस्से हैं टूटने के बाद आपस में कितने एंगल पे दिखे, 90 डिग्री के एंगल पे, तो कहलाएंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आपको पता है कि मैक्सिमम कितने ऐसे आप लाइंस खींच सकते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो मल्टीपल डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि एक एक्स हो सकता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक कौन हो सकता है जेड एक्सिस। कहने का मतलब आपको अगर किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़ना है कि उसके हिस्से आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो कंपोनेंट कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और उनकी संख्या कम से कम या तो 2 होगी या तो मैक्सिमम उसकी संख्या कितनी होगी, 3। तो एक बात सुनिएगा, कोई पूछेगा कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, आपका जवाब होगा इन्फिनिटी। लेकिन अगर वही आपसे पूछता है किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे, जवाब होगा मैक्सिमम 3, क्योंकि एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, एक जेड में होगा। हम सिखा रहे हैं अभी कंपोनेंट तोड़ते कैसे हैं, ध्यान से, ये बिल्कुल अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगा, अगला मीटिंग आप 2-3 मीटिंग सुनिएगा, ये खत्म आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। और इसके पहले वेक्टर का बेसिक आपको पता होना चाहिए जो हम सिखाए हैं, कोई अगर गलती से ना किए हो वो वीडियो हमसे प्लीज ले लेंगे। तो देखिए ये 10 है, ये 30 है, 10th क्लास में आप बताइए इसके हम दो हिस्सों को देख रहे, देखिएगा इस ट्रायंगल में ओ ए बी जो भी है इसमें साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, या कॉस 30 बता दो पहले, कॉस 30 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कॉस 30 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ये है बी, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो बताइए इस बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, बेस का वैल्यू आ जाएगा 10 कॉस 30, दिख रहा है बेस का वैल्यू कितना आ गया 10 कॉस 30, और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, मतलब इसका वैल्यू आ गया 10 cos 30। अच्छा इसी में अगर हम आपसे बोलेंगे sin 30 का फॉर्मूला लगाइए तो आप क्या जवाब दोगे, आप बोलोगे sin 30 होता है p by h, ध्यान सीखिएगा, आपको हम पहले प्रूफ करें फिर रिजल्ट बताएंगे, sin 30 होता है p by h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 10 है, तो क्या परपेंडिकुलर वैल्यू कितना मिल जाएगा बताओ, p = 10 sin 30, यानी ये वाला वैल्यू हो गया 10 sin 30। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये वेक्टर आपका जो था 10 का, इसका 2 हिस्सा टूटा, इधर वाला हिस्सा कितना हुआ जरा बताओ, 10 cos 30, दिख रहा है, और ठीक ये इसके सामने यहाँ एक लाइन खींचेंगे तो पैरेलल होने की वजह से वैल्यू सेम होगा, इधर ये कितना आ जाएगा 10 cos
उल्टा लिख दिए थे क्या, परपेंडिकुलर सही लिखे थे, टेन कॉस 30 होके सही है। और ये देखो ये आपका टेन साइन 30 और ये एंगल है 30 डिग्री। तो आप गौर कर रहे हैं आपने इस 10 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा टूटा 10 cos 30 और एक हिस्सा टूटा 10 sin 30, इन दोनों को मिलाने पे 10 बनेगा। और ये दोनों हिस्से आपस में कितने एंगल पे हैं, ये दोनों हिस्से आपस में 90 डिग्री पे हैं, इसलिए इन दोनों हिस्सों को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर 10। दिख रहा है, अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बोलिएगा कि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। आप कहेंगे ना कि जब आपने 10 को तोड़ा है इन दो हिस्सों में तो इन दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। फिर से एक बार आपको याद दिलाते हैं, अगर एक वेक्टर P है आपके पास और एक वेक्टर Q है आपके पास और इसके बीच का एंगल थीटा है, दो वेक्टर एक P और एक Q, तो इसका रिजल्टेंट यानी इन दोनों को जोड़ने पे जो बनता है उसको आर कहते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो आप बोलिएगा कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, कौन सा थीटा होता है, कॉस थीटा। आपने सुना है फॉर्मूला, यानी पी और क्यू को जोड़ना है तो सीधे नहीं जोड़ देंगे पी प्लस क्यू, जैसे यहाँ देखो अभी आपको हम सिखाए जो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप ये समझे कि एक वेक्टर हम इधर तोड़ रहे हैं 10 cos 30, अगर इधर वाला बनाएंगे 10 sin 30 तो ट्रायंगल लॉ से वो भी सही है, इसी के सामने हम बना रहे हैं ताकि आसान लगे समझने में 10 sin 30। अगर एक वेक्टर को हम P कहते हैं और एक वेक्टर को हम Q कहते हैं, नामकरण कर दिए दो वेक्टर मानते हुए एक को P और एक को Q, तो इसके बीच का एंगल ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इसके बीच का एंगल, पी और क्यू के बीच का एंगल, देखो थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल है, ठीक है। तो थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल इस बार 90 है। बहुत आराम से सीखेंगे, पहली बार ये सीख रहे हो, ये पूरा 36 लेसन 36 लेसन आपको पढ़ना है लेवल 2 में, सब में इसका यूज है। रूट अंडर पी का वैल्यू कितना है, 10 रूट 3 बाय 2, ऐसा हमने क्यों लिखा, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बाय 2, इसलिए 10 कॉस 30। प्लस क्यू स्क्वायर 10 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर, प्लस में हम जीरो क्यों लिख दिए समझ में आ रहा है, अच्छा साइन 30 1 बाय 2 होता है इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, जीरो इंटू ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब गौर करो ये कितना हो गया 5, कितना होगा 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 75 होगा, देखो 2 से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 रूट 3 उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 75 हुआ। प्लस ये कटा 5 बाय 5 स्क्वायर कितना होगा 25, इतना तो जनरल मैथ आता है ना आपको, 75 प्लस 25 इज 100 और 100 का रूट कितना आता है 10, मतलब आर का वैल्यू आया 10। देखो तो इन दोनों को जोड़ने पर 10 आया कि नहीं, इससे ये साबित होता है कि ये दोनों कंपोनेंट इसी के हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 10 आया। और ये भी कैसे कंपोनेंट है, ये खास कंपोनेंट है, ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों कितने एंगल पे टूट रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे। अगर एंगल का कोई बाउंड्री एड्रेस नहीं होता, कोई बाउंड्री एंगल की बात नहीं होती कि आप किसी भी एंगल पे तोड़ सकते हैं, तब तो कोई भी किसी भी एंगल पे तोड़ता और इस चक्कर में कंपोनेंट बन जाता अनगिनत, इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे तो सिर्फ दो ही होगा, घबराइए मत, अभी आप कुछ भी नहीं सीखे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लो आपको याद होगा, हम जब आपको ये सिखाए थे ये, तो उस समय हम ये भी सिखाए थे कि ये रिजल्टेंट जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मतलब ये कितने एंगल पे जाएगा अल्फा, क्या फॉर्मूला था, बहुत कम लोग याद रख पाते हैं, टैन अल्फा का फॉर्मूला था, ध्यान सुनना, अल्फा आपने पी से बताया है तो फॉर्मूला लिखेंगे हम क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था, देख रहा है। जैसे यहां देखो ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम अल्फा कहें, तो फॉर्मूला याद हम चूंकि पहले बता चुके हैं, जिनका पहला दिन होगा सिर्फ उनको वीडियोस देखने होंगे, पुराने वाले पहले वाले बोल रहे हैं, और जिनका भी क्लास छूटा उनको फिर से पढ़ाएंगे, वीडियो देख के आप छोड़ नहीं सकते हैं, हम जैसे ही फिर एक महीने बाद या दो महीने बाद जो भी नया बैच बनेगा उसमें आपको दोबारा वेक्टर के लिए जोड़ेंगे या फिर आपको अलग से हम बताएंगे, लेकिन सिर्फ अभी दो तीन ही क्लास छूटा है इसलिए आपको हम कह रहे हैं बार बार कि आप देख के जरूर बैकअप ले लें, क्योंकि फिजिक्स है, मजाक नहीं है। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, क्यू यहाँ पे कितना है 10 बाई क्यू, सीधे हम 5 लिख दे, Q
क्यों पांच लिखा, क्यों का वैल्यू, क्योंकि 10 sin 35 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 sin 90, sin 90 क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, थीटा इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल 90 है, बाई बाई टेपी, पी का वैल्यू है 5√3 प्लस 0, क्यों 0 लिख दिए, क्योंकि क्यों cos थीटा, तो क्यों cos 90 0 होता है, तो लिख दे रहे हैं 5 cos 90, वैल्यू बचता 5/5√3 क्योंकि वो तो 0 होता, 1/√3 यानी कि tan अल्फा कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये 30 डिग्री का, देख रहे हैं आप, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये 30 डिग्री है, तो इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों को जोड़ने पे यही आ रहा है, उतना ही एंगल पे आ रहा है, तो आपको कंपोनेंट तोड़ने का अभी हम सिर्फ लिखवाएंगे सब डेफिनेशन, आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर भी ये एग्जांपल है, आप इस चीज को समझने के लिए एक फोटो खींच के आपको ग्रुप में हम भेज रहे हैं, अभी हम आपको लिखने नहीं बोले हैं, ध्यान रखिएगा, लिखने हम जब बोलेंगे तब लिखना है, बिल्कुल भी कुछ मत लिखिएगा प्लीज। देखिए ये आपके ग्रुप में हम एक फोटो फिलहाल भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं गलती से हम मिटा दिए ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, कोई भी स्टेप पूछना हो बोलना हो आपको, हम अनम्यूट करेंगे उस समय, आप बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए आप किसी वेक्टर को तोड़ते कैसे हैं, ये आप सीख गए, हम ये वाला सिर्फ मिटा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी प्रूफ आपको हम बताए हैं और कुछ नहीं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है ये आप सीखे हैं, अब ध्यान से सुनना, गजब का एक ट्रिक आपको देने वाले हैं, उस ट्रिक से आप ये वाला चीज हम फोटो खींच लिए हैं, कहीं किसी को जरूरत होगा तो, इधर मैं टूल पर जाता है बीच में, ये टेम्पररी व्यवस्था है, और ये टूल पर जाता है, ये बड़ा सा टूल हम बीच में लगाए हैं, इसलिए हमको यहाँ पे दिक्कत होता है लिखने में। एक बात समझिएगा, अगर आपके पास कोई वेक्टर है ये, जिस वेक्टर का नाम है ए, वैल्यू जैसे आप 5 लिखे 10 लिखे हैं, यहाँ पे वैल्यू ए है मान लो, जैसे आप वैल्यू 10 लिखे हैं, या मान लो इसका वैल्यू है पी, कितना वैल्यू है पी, और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो हम बोले कि इसके कंपोनेंट तोड़ के दिखाओ, इस तरह से तोड़ना है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आप कैसे तोड़ोगे, जिधर थीटा है उधर पी के साथ कॉस लगा दो डायरेक्ट, देखे थे कॉस आया था, तो डायरेक्ट एक ट्रिक सिखा रहे हैं, जिधर थीटा है उधर वो जो वैल्यू लिखा है उसको कॉस लगा दो, और ठीक उसके परपेंडिकुलर इधर लगा दो पी साइन थीटा, याद रहेगा, समझो, ये देखो ये वैल्यू दिया हुआ है 5 और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, अगर आपसे हम बोलते हैं कि 5 के दो कंपोनेंट तोड़ो, कोई नहीं भी पढ़े हैं वेक्टर चिंता ना करें, उनको आज का क्लास समझ में हल्का सा अगले मीटिंग में आ जाएगा और तुरंत आप सीख जाओगे, पीछे कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी कुछ चीजों को याद करते हुए आपको सब समझ में आएगा, इसलिए मेन क्लास आज हम बार बार कर रहे हैं। अब ये देखो आप, ये 5 है ये 60 है, तो जिधर थीटा है उधर 5 के साथ क्या लगाना है, 5 cos 60, एक हिस्सा टूटा और दूसरा हिस्सा कैसे तोड़ना है, ठीक इसके परपेंडिकुलर, ताकि 5 बीच में आ जाए, ये नहीं कि इधर खींच देना, इधर क्या लिखोगे बताओ, 5 sin 60, तो जिधर थीटा है उधर cos लगाना है, जिधर थीटा है उधर ही cos लगाना है, जिधर थीटा है उधर cos और उसके परपेंडिकुलर में sin, क्या ट्रिक याद रहेगा, जैसे ये देखो अगर ये ऐसे रहता इस तरह से, ये लिखा रहता 10 और ये वाला एंगल होता मान लो थीटा, बात करते हैं तो इधर लिख देते आप 10 cos थीटा और इधर आप लिखते 10 sin थीटा, दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट तोड़ना है तो ये ध्यान रखना है कि कैसे तोड़ना है। अब इसके बाद अब हर बार आपको इतना मेहनत करके नहीं दिखाना है, अब हर बार आप ट्रिक सीख चुके हैं, आपको डायरेक्ट याद हो गया कि अच्छा भाई जिधर थीटा हो उधर कॉस लगाना है, ठीक परपेंडिकुलर में साइन लगाना है, कितना इजी है, तो चलिए हम बात करते हैं, याद रखिएगा जिधर थीटा हो उधर कॉस लगाना है, ठीक उसके परपेंडिकुलर में क्या लगा देना है, साइन लगा देना, जिधर थीटा हो उधर कॉस लगाना है, ठीक परपेंडिकुलर में साइन लगाना है। चलिए हेडिंग डालिएगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, नीचे लिखिएगा पहला लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, स्प्लिटिंग तोड़ना, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना, नोट्स हम लोग को बनाना है, ऐसे सिर्फ लेक्चर सुनते हुए चलना, हम सवाल देंगे, सवाल बना के आप फोटो खींच के ग्रुप में नहीं भेजोगे, ग्रुप में आप ब्लॉग हो मैसेज भेजने के लिए आपको पर्सनली भेजोगे, हम देखते हैं यहाँ पे अभी, लेकिन चूंकि सवाल दे रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इंटू इट्स कंपोनेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इंटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इंटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन,
फुल स्टॉप। कभी भी आपको लगे कि रिपीट करवाना है, हैंड रेज कर दीजिए, काफी है, ठीक है? या मैसेज में भी लिखना चाहे तो बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड दोबारा बोल रहे हैं अनीस, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, SPLIT वाला, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है? उसके नीचे लाइन में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। आज अनीस अभी तक आप हाथ रेज रखे हैं, कुछ बोलना है क्या? म्यूट कर दे आपको। ओके बोल, हाथ रेज नहीं करी हुई, ठीक है? अ वेक्टर नीचे लिखेगा, अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड, अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड, अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। तरीकों से, कई तरीकों से कर सकते हैं। हो गया, पैराग्राफ फिर से चेंज कीजिएगा, स्टार मार्क देके एक पॉइंट लिखे, डेफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में दो लाइन बोले, अब एक बात लिखने जा रहे हैं। लिखिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, क्या है नाम? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, लिखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बोले डेफिनेशन, When a vector is resolved in such a manner that all of its components are mutually perpendicular, all of its components are mutually perpendicular, mutually मतलब आपस में, mutually perpendicular, then अंकुश दोबारे बोल रहे हैं, दोबारे रिपीट कर रहे हैं अंकुश, डेफिनेशन लिखवा रहे हैं अंकुश, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। कोई लेट से आया हो, कहीं मीटिंग इधर उधर हो गया होगा उनका, नेटवर्क कहीं भी जा सकता है, तूफान हर जगह उठ रहा है भाई। आप कई लोग धनबाद से कर रहे हैं अंकुश, जैसे कोई कहीं से कर रहे हैं क्लास, तो नेटवर्क कहीं भी कुछ हो सकता है आज के दिन, तो हम इसीलिए रिकॉर्डिंग तुरंत अपलोड करेंगे, आज से क्लास का रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डैश, व्हेन अ वेक्टर इज रिजोल्व्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर then these components are called rectangular component of the given vector। उसके नीचे चाहे तो आप ये एग्जाम्पल जरूर लिख ले, ये समझने के लिए, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे थे, लेकिन फिर भी आपको पास फोटो इसके चला गया ग्रुप में। अब अगला मीटिंग शुरू होगा, अभी ये मीटिंग चल ही रहा है लेकिन ये खत्म हो जाएगा। अगला मीटिंग सेम आईडी पे क्लिक करके तो ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वही मेन है, उसी में अब हम सिखाने वाले हैं। अभी तो आपको, अभी तक हम धीरे धीरे समझा रहे थे, धीरे धीरे, हाँ भाई देखो ये मसाला जमा हुआ है, सब्जी तो अब बनेगा, है कि नहीं? देखिए आपकी फेवरेट सब्जी बनेगी अगले मीटिंग में। फिलहाल किसी को कुछ भी पूछना हो तो अगले मीटिंग में आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, यहाँ तक के लिए, ठीक है? तो अगले मीटिंग में मिलिए, इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं। आपके पास फोटो भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, उसी से आप कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल को, ताकि समय बचेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक अगले मीटिंग में शुरू कर रहे हैं, 40 मिनट यहाँ हो गया, इसलिए एंड होगा ये।